नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों के दो एवं सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती के आदेश के खिलाफ एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता गोपाल सांधू ने राजस्थान उच्च न्यायालय एक याचिका दायर की और राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी। इसमें न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की दो दिन के वेतन काटने के आदेश पर नोटिस जारी किया। बीकानेर नगर निगम द्वारा चल रही रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का बुधवार रात्रि 9:30 बजे मौके पर निरीक्षण किया गया। केईएम रोड, दाऊजी रोड, तेलीवाड़ा स्टेशन रोड तथा पीबीएम हॉस्पिटल रोड का निरीक्षण किया गया। सफाई प्रभारी को निर्देशित किया गया कि सभी कर्मचारी यूनिफॉर्म तथा पहचान पत्र के साथ उपस्थित हों। कर्मचारियों को सफाई की गुणवत्ता तथा नियमित सफाई के भी निर्देश दिए गए। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की उपयोगिता को देखते हुए आगामी दिनों में अन्य स्थानों पर भी रात्रिकालीन व्यवस्था की जाएगी। उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व कांतिलाल कर्मसे को भी बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस दिनेश मेहता ने सीबीआई कोर्ट की ओर से इनके विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है, लेकिन इन्हें सीबीआई कोर्ट जोधपुर के समक्ष पेश होने और जमानत मुचलके पेश करने को कहा है। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें 15 अक्टूबर तक कभी भी सीबीआई कोर्ट में पेश होने की छूट दी गई है। बीकानेर जिले में कोरोना का खतरा बरकरार है। बुधवार को पहली रिपोर्ट में 72 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसको मिलाकर अब तक का आंकड़ा 7,647 हुआ है। वहीं मरने वालों की संख्या 126 पर पहुंच गई है। मॉनसून की विदाई का समय नजदीक आने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से मौसम का बदलाव आ गया है। जोधपुर में अब दिन के साथ रात का तापमापी पारा भी बढ़ने लग गया है। यहां दिनों दिन तापमापी पारे में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह सूरज चढ़ने के साथ ही तेज धूप व गर्मी का एहसास होने लग जाता है। बुधवार को दोपहर में यहाँ तापमापी पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश की पालना में मंगलवार को राजस्व, खान एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जैसलमेर हाईवे तथा बज्जू गेट में खनिज फेल्सपार व जिप्सम का अवैध खनन पाए जाने पर मौके का पंचनामा बनाया। खनिज अभियंता आर एन मंगल ने बताया कि दो वाहन द्वारा खनिज का अवैध निर्गमन करते पाए जाने पर दोनों वाहन मालिकों से 1,71,000 रुपए की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग के कार्मिकों द्वारा कोलाइट क्षेत्र के इंदो का बाला क्षेत्र में 3 खनन पट्टों का मौका देखा गया तथा पट्टाधारियों को सीमा स्तंभ व बोर्ड लगाने हेतु पाबंद किया गया। जोधपुर का करीब 134 साल पुराना मोहनपुरा पुलिया वापस बनकर तैयार हो गया है। पिछले करीब एक साल से बंद इस पुल पर अगले सप्ताह से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे के निर्माण विभाग ने ब्रिज और दोनों तरफ अप्रोच सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। इसके वाहन चालकों को पुलिस लाइन व मोहनपुरा जाने के लिए 3-4 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। जोधपुर की सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गट्टानी के निर्देशन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम का समापन उम्मेद अस्पताल में मास्क और सैनिटाइजर करने के अलावा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें भेंट करने के साथ किया गया। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कृषि कानूनों पर कांग्रेस समेत विपक्ष दलों पर झूठ बोलकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि यदि आज किसानों की इतनी चिंता हो रही है तो यूपीए सरकार 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का तकिया बनाकर क्यों सोती रही। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर GL मीना ने वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर संजय गहलोत को मनोविकार विभाग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर GD कुलवाल ने विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभालने में असमर्थता जाहिर की थी तथा इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर डॉक्टर कुलवाल के स्थान पर वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर संजय गहलोत को अगले आदेशों तक मनोविकार विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाइफा हीरो मेजर दर्पण सिंह शेखावत के बलिदान दिवस पर चामुंडा सेना के तत्वाधान में जोधपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई युवाओं ने रक्तदान किया, इसके साथ ही पौधारोपण भी किया गया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इन दिनों कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बने कोविड वार्ड में आई हेल्प यू डेस्क पर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के तहत 3 सेवानिवृत्त नर्सिंग बुजुर्गों को बैठाया गया है। इन बुजुर्गों की आयु 64 से 65 के बीच में है।
यह सभी हाई रिस्क की श्रेणी में है। यह तीनों कर्मचारी नर्स कैडर के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। जोधपुर के ज्वाइंट सेवा सप्ताह के अंतर्गत ज्वाइंट ग्रुप ऑफ आशा पॉइंट पाल द्वारा कच्ची व अस्थायी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बिस्किट, नमकीन व चॉकलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सचिव केसी भाटी व मुन्नी भाटी की भागीदारी रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।